हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो डीएवी क्लास एट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को डीएवी क्लास एट संस्कृत के चैप्टर 2 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक दिया गया है एंड आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के भी लिंक दिए गए हैं प्ले लिस्ट के, तो आप लोग जाकर के किसी भी वीडियो के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को शुद्धम अशुद्धम लिखना है। तो काका चटका चा मित्रे न अस्ता, बोला जाए कि काका और चटका जो है वो आपस में मित्र नहीं थे। तो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन तो देखा होगा, तो पता होगा स्टूडेंट्स कि काका और चटका जो आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। ओके, तो यहाँ पे ये वाक्य जो है वो अशुद्धम हो गया। तो अकस्मिन गृहे एकम धनम अपश्यताम, देखिए यहाँ पे भी ये अशुद्ध वाक्य है। आगे कहा गया है काकस्य गृहम मृत्तिकाया आसीत, काका का जो घर था, जो कौआ का जो घर था वो मिट्टी का था, तो इसका आंसर होगा शुद्धम। ये बिल्कुल सही वाक्य आपको यहाँ दिया गया है। चटका काकस्य सह चर्चम स्वागतम करोति, चटका जो है वो काका का बहुत ही अच्छे तरीके से, कौवे का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करता है। ये भी बिल्कुल सही वाक्य यहाँ पे दिया गया है। उभो मिलता सुखेन बचता, वो आपस में मिलकर बाद में सुखी से रहते हैं, तो इसका आंसर भी होगा शुद्धम, क्योंकि वो दोनों आपस में जब उनका घर टूट जाता है यानी जब फिर से बनाया जाता है काका का घर कौआ का घर, तो दोनों आपस में मिलकर के अच्छे से खुशी के साथ रहते हैं। आगे दूसरा देखिए कहा गया है, यहाँ पे आप लोगों को रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। ईशा काका अस्ति, वहाँ पे एक काका था, एक कौआ था। चटका काका से मित्रम अस्ति, चटका जो है वो काका का मित्र था। अब हमें तीसरे में कहा गया है काका वृक्षे मृतिकाया सुंदर गृहम निवितमान, अब देखिए बोला जाए कि काका जो कौआ जो है वो वृक्ष पर बहुत ही अच्छा सुंदर का सॉरी मिट्टी का एक बहुत ही अच्छा सुंदर घर बनाता है अपने घर। यहाँ गृहम का क्या अर्थ होता है, गृहम का अर्थ होता है घर। वर्षा काले काकस्य गृहम नष्टम अभवत, वर्षा के काल के दौरान क्या होता है, काका का जो घर है वो नष्ट हो जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स की किस ऋतु के दौरान जो है वो चटका का घर जो है वो नष्ट हुआ था। ओके, आगे देखिए चटका काकम आनंदेन भोजनम कुतुम कथती, देखिए जो देखिए यहाँ पे चटका है ना वो बोलता है काका को कि तुम आओ बहुत ही आनंद के साथ जो है मेरे साथ भोजन कर सकते हो। काका लज्जता भूतवा भोजन करो, तू काका जो है बहुत ही लज्जा के साथ जो है भोजन करता है, क्योंकि जब उसका घर उजड़ गया था यानी चटका का घर जब उजड़ गया था वो उसको शरण भी देना नहीं चाहता था, उसे बाहर ही बाहर भगा दिया था कि तेरे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। कौन भगाया था, काका भगा दिया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को विशेष पद लिखना है, तो भीषणे का क्या होगा, ग्रीष्म काले। ओके, अभिमानी काका कौन अभिमानी था, तो काका अभिमानी था। खिन्ना चटका उदास कौन था, चटका यहाँ पे उदास था। नवीनम गृहम क्या चीज नई थी, तो नई थी गृह यानी घर नया था। एकस्मिन वृक्षे एक जो है वहाँ पे वृक्ष भी था। अब चौथा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एतेषां प्रश्नां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, देखिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए जिसका आंसर आप लोगों को एक पद यानी एक वर्ड में करना होगा। काका चटका च कुत्र सुंदर गृहम अपश्यताम, देखिए काका और जो चटका थे वो कहाँ पर एक बहुत ही सुंदर घर देखते हैं, जिसका आंसर होगा वृक्षे, वो वृक्ष में बहुत ही सुंदर घर देखते हैं। जब वो टहल रहे होते हैं जंगल में तो एक वृक्ष में बहुत ही सुंदर घर देखते हैं। चटका के स्वगृहम निर्वती, अब देखिए चटका का घर किस से बना हुआ था, किससे बनाया था, वो दो बनाया था तिनके से यानी तृणे तिनके से वो बनाया था। का खिन्ना आसित कौन खिन्ना था, तो होगा चटका खिन्ना आसित। अब देखिए फिफ्थ का आंसर होगा स्टूडेंट अपश्यताम। फिफ्थ में कहा गया है एतेषां प्रश्नां उत्तराणि पूर्ण वाक्यं वदन्तु लिखन्तु च, आप लोग इसे देख लीजिए, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूं। आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रश्न निर्माण अच्छे से समझा दूंगा, वहां पर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, आप लोग इसे लिख सकते हैं जब चाहें तो। स्टूडेंट्स आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा, जब एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप लोग पूरा चैप्टर इजीली समझ पाएंगे यदि आप एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लेंगे तो। इसलिए आप लोग जरूर से जरूर एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए प्रश्न निर्माण आ गया, तो यहाँ पर देखिए तो सविश्वासम अगस्तम, अब प्रश्न निर्माण देख लीजिए स्टूडेंट्स, यह सबसे पहले होगा कुत्र। अब देखिए आपको क्या करना है ना, प्रश्न निर्माण इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग पूरा का पूरा लिखें। ओके, पूरा का पूरा वाक्य लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो होता है कुत्र होता है, सिर्फ कुत्र लिख के छोड़ दिए, और आप लोग इस बात को भी सुनिश्चित कीजिएगा कि आपने लास्ट में ये प्रश्न चिन्ह लगाया है। यदि आप प्रश्न चिन्ह को नहीं लगाएंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा, और पूरा का पूरा मार्क्स कट जाएगा, एक नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर तो वाक्य ही हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों को इसे प्रश्न बनाना होगा। ओके,
प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पे क्या लगाना होगा, आप लोगों को प्रश्न का चिन्ह लगाना होगा। जब तक नहीं लगाएंगे आपका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को सुनिश्चित करना होगा कि आपने सारे जितने भी आपके एग्जामिनेशन में आएंगे सारे में आप लोगों ने पहले क्या करना है कि आप लोगों को पूरा वाक्य लिखना है। उसके बाद आपको प्रश्न निर्माण करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में आप लोगों को प्रश्न चिन्ह बिल्कुल लगाना, प्रश्न इनका आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेगा ना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, अब देखिए दूसरा कहा गया, एकता ग्रीष्मकाली सर्वत्र सूक्ष्म भवत, कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत। आगे कहा गया है, चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत, चटका कश्या गृहम अपि नष्टम अभवत। इसका क्या होगा, चटका काकम कथती, चटका कम कथती। चटका किसको कहता है, तो चटका काका को कहता है यानी कौआ को कहता है। क्या कहता है कि मेरा घर तो टूट गया है, क्या तुम मुझे अपने घर में शरण दोगे। एंड आप लोग ये बताइएगा स्टूडेंट्स कि उसका घर कब टूटता है, ओके कमेंट बॉक्स में जल्दी से। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे कहा गया, काका नवीन गृह से निर्माण करोती, काका जो एक बहुत ही सुंदर नया घर बनाता है। ओके, कब बनाता है, जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है। सातवें में आप लोगों को कथा में जिस प्रकार से दिया गया है उसे क्रम अनुसार सजाना है। ओके, तो सबसे पहले में क्या आएगा, काका चटका चा द्वे मित्र आस्ताम, काका और चटका जो है वो दो मित्र थे। ओके, उसके बाद दूसरा क्या होगा, ग्रीष्मकाली में चटका क्या करता है, घर तो बनाता है पहले, और ग्रीष्मकाल में उसका घर क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि उसका घर जो है वो तिनके से बना हुआ था। और तीसरा क्या होगा, अभिमानी काका जो है वो चटका को अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखता है, बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। चौथा क्या होगा, वर्षा के काल में काका का जो मिट्टी का घर होता है वो भी बिल्कुल बिखर जाता है, टूट जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए मिट्टी का घर पानी पड़ेगा तो ऐसे ही मिट्टी क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, मिट्टी का घर अपने आप टूट जाएगा। ओके, अब पाँचवा क्या होगा, उदार जो चटका जो है वो काका का सहायता करता है, उसे खाना वाना सब चीज खिलाता है, जिससे काका जो है बहुत ज्यादा लज्जित हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब गिल्टी फील करने लगता है कि जब ये मेरे घर आया था तो मैंने इसे भगा दिया था, लेकिन ये मुझे अपने घर में शरण देता है, ये मुझे खिलाता पिलाता भी है, मेरा स्वागत भी अच्छे तरीके से करता है। अब देखिए मैं चटका जो है वो अच्छे तरीके से जानता था कि उसका घर भी आज नहीं तो कल टूटेगा, क्योंकि उसका घर जो है मिट्टी का है, एंड जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी उसका घर भी टूट जाएगा। आज वो मुझे मदद नहीं कर रहा है, लेकिन उसे लज्जित फील कराने के लिए मैं उसकी मदद कर लूँगा, ताकि वो आगे कभी भी इसके साथ किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। अब देखिए आप ही क्या, काका कभी भी दूसरे के साथ ऐसा करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अब दोनों की मित्रता भी अच्छी, बहुत अच्छी मित्रता हो गई, क्योंकि मुश्किल के समय में भले काका ने चटका का साथ ना दिया हो, लेकिन चटका ने काका का साथ उसके मुश्किल समय में बहुत अच्छे तरीके से दिया। ओके, जैसे कि आप लोगों ने पार्ट को समझ भी लिया होगा स्टूडेंट्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।